देखिए आज हम आप लोग को बता रहे हूँ कि अगर आप लोग के घर में शिवलिंग है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान दें किस तरह का पात्र होना चाहिए, चाहे स्टील का हो, चाहे पीतल का हो, चांदी का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसको देखिए इस तरह रखिए थाली को, और फिर ये जो शिवलिंग है इसको जो है इस तरह इनको जो है उठा किस तरह रखिए। ये हमारी गंगा जी हैं, ये देखिए पहले इनको लोटे में डालिए, उसके बाद जो है जल भरिए। डेली जो है इसी तरह जो है नहाना है। अरे देखिए हमें से देखिए दाना करके मीठा डाल के जल छोड़ना चाहिए। ये देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसके बाद जो भी कुछ फूल है, चंदन है, जो भी कुछ है आप लगाइए, इनको फिर से जो है इनको यहाँ रख दीजिए दोनों हाथ से। अब इस जल को किसी गमले में पेड़ पे वहाँ डालिए जहाँ कि आपका पाँव न पड़े। धन्यवाद।